मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज मैं क्लास यूकेजी को इंग्लिश में न्यू टॉपिक नहीं रिवीजन करवाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्या करूँगी, रिवीजन करवाऊंगी। तो रिवीजन किस टॉपिक का होगा, पिछली इंग्लिश क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ। पहला टॉपिक आज मैं रिवीजन करूँगी यूज ऑफ दिस दैट, किसका रिवीजन करूँगी, यूज ऑफ दिस दैट। और सेकेंड टॉपिक होगा हमारा वीक्स नेम। आज ये दो टॉपिक का मैं आज के इस वीडियो में रिवीजन करूंगी। सो आप लोग ध्यान से देखिए, फर्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ यूज ऑफ दिस यानी कि दिस और दैट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी, जो कि मैं पिछले क्लास में बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी कि दिस मीन्स, मैं आप लोग को बताई थी THIS, ये जो दिस है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, यह। दिस मीन्स क्या होता है, यह। और दैट THAT, that means क्या होता है, वह। This means होता है यह, और that means क्या होता है, वह। तो जैसे कि आप कोई चीज देखते हो तो आप कहते हो ना, यह एक किताब है। कोई चीज आप नजदीक में देखते हो तो आप बोलते हो कि यह एक किताब है, और कोई चीज आप दूर में देखते हो तो आप कहते हो वह एक किताब। अगर वही किताब अगर दूर में रखा रहे तो आप क्या बोलते हो, वह एक किताब है। यानी कि हम खुद भी देखते हैं कि जब हम कोई चीज नजदीक देखते हैं तो उसके लिए हम लोग यह बोलते हैं, और जैसे ही हम लोग किसी दूर की वस्तु के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वह। जैसे वह एक लड़का है, वह एक घर है, वह एक पेड़ है। दूर में अगर कोई पेड़ दिख रहा है और उसे बताना रहता है तो आप क्या बोलते हो, वह एक पेड़ है। यानी कि मैं आप लोग को बताई थी कि नजदीक की वस्तु के लिए फॉर नियर थिंग्स हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस। और जैसे ही दूर की वस्तु फॉर फार थिंग्स यानी कि दूर की वस्तुओं के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट। आइए मैं पिक्चर से बताती हूँ आपको। फर्स्ट में व्हाट इज दिस, ये किस चीज की पिक्चर लग रही है आपको, ये मैं बुक का पिक्चर ड्रॉ की हूँ। अब इस बुक के बारे में मुझे लिखना है, ओके? जैसे मैं बोलूंगी यह एक किताब है तो ये नजदीक है, तो बुक के साथ हम क्या यूज करेंगे, दिस। THIS, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, ये जरूर लिखेंगे। दिस और दैट के साथ इज ही आता है, हाइयस इज आता है, इसका मतलब क्या होता है, तो हो गया ना, यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। नजदीक था बुक तो मैं क्या यूज की यहाँ पे बुक के लिए, दिस। सेकेंड में आप लोग देखिएगा, जैसे एक पिक्चर में इधर बना, अगर मैं इस बॉल के बारे में बोलती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी वह एक गेंद है। क्या बोलूंगी, वह एक गेंद है। ये नजदीक है और वो क्या है, दूर है, तो
तो बॉल के साथ हम क्या यूज करेंगे, दैट, टी एच ए टी, दैट इज ए बॉल, दैट इज ए बॉल, ओके। वह एक क्या है, गेंद है। एक और एग्जांपल मैं बताने जा रही हूँ, व्हाट इज दिस, ये क्या है, आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे मैं जग बनाई हूँ, ओके। ये क्या बनाई हूँ मैं, जग, जे यू जी जग। तो जग के बारे में मुझे लिखना है, तो मैं क्या जग के साथ क्या यूज करूंगी, अफकोर्स ये इधर है, नियर थिंग्स है, तो नियर थिंग्स के लिए, नजदीक के लिए, नजदीक की चीजों के लिए हमें क्या यूज करना है, दिस, दिस इज A, J, U, G, jug. That this is a jug. ये यह एक क्या है? Jug है. Fourth example में, एक और example में आप लोग को बताऊंगी. Like I draw यहाँ मैं एक ट्री बनाई हूँ, छोटा सा ट्री बनाई हूँ, और मुझे ट्री के बारे में लिखना है। तो ट्री के लिए, ट्री हमारे लिए क्या है, दूर की वस्तु है, दूर की चीज है, तो यहाँ पे हम ट्री के साथ क्या यूज करेंगे, दैट, टी एच ए टी, दैट इज ए ट्री, ओके। आई होप आप लोग यूज ऑफ दिस दैट अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। नजदीक की वस्तु के लिए दिस यूज करेंगे और दूर की चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीक्स नेम, सप्ताह। मैं आप लोग को बताई थी ना, वीक मीन्स क्या होता है, सप्ताह, तो मैं लिखी हूँ वीक्स नेम, सप्ताह का नाम। तो सप्ताह का नाम मैं आप लोग को कैसे बताई थी लिखने के लिए, हाउ मेनी डेज, पहले बताई थी मैं आप लोग को हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 days होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूजडे। तो मैं लिख कर बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं मंडे से लिख रही हूँ, एम ओ एन D A Y, Monday, T U E S D A Y, Tuesday, W E D N E S D A Y, Wednesday, T H U R S D A Y, Thursday, F R I D A Y, Friday, S A T U R D A Y, Saturday, और 7 days कौन सा हो जाएगा, S U N D A Y, संडे। मैं मंडे से लिखी हूँ तो संडे कहाँ चला गया, लास्ट डे में। आप संडे से भी लिख सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से आप संडे से भी लिख सकते हो और मंडे से भी। ये 7 days ही हमारे वन वीक में कितने दिन होते हैं, 7 days। देखो यहाँ पे 7 days है, तो
इस तरह से आप लोगों को कॉपी में लिखना है. हाउ मेनी डेज इन अ वीक? 7 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 days है. मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ओके, तो ये था आज के इंग्लिश रिविजन में. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा. क्लास यूकेजी के बच्चे इसे लिखेंगे इंग्लिश कॉपी में और रिविजन करेंगे. ओके, आज के इंग्लिश क्लास में इतना ही. बाय, टेक केयर.